द फ्लैश मूवी को रिलीज हुए काफी समय बीत चुका है। ये मूवी बॉक्स ऑफिस से बुरी तरह से पिट भी चुकी है और कुछ दिनों में ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है। हालांकि डीसीयू की मार्केटिंग टीम और वार्नर ब्रदर्स ने इस मूवी को हिट कराने की काफी कोशिश की थी, पर बात कुछ खासा बनी नहीं। खैर, आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं वार्नर ब्रदर्स के उस मूव के बारे में जिसका यूज उन्होंने इंडियन ऑडियंस को अटैक करने के लिए किया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मूवी में दिखने वाले फ्लैश के रूम में हनुमान जी के उस पोस्टर के बारे में कि क्या वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी या फिर उसके पीछे कोई लॉजिक भी बनता है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो फ्लैश मूवी में हनुमान जी के पोस्टर को ऐड करने का प्रैक्टिकली तो समझ में आता है कि डब्ल्यूबी स्टूडियोज को इस मूवी की हाइप क्रिएट करनी थी और इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करना था। लेकिन अगर उन्हें सिर्फ इतना ही करना होता तो वो इंडिया से किसी भी चीज को चूज कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके पास हनुमान जी को चूज करने का एक प्रॉपर लॉजिकल रीजन है। सबसे पहले तो फ्लैश एक स्पीडस्टर है, तो वो किसी ऐसे फिगर को एडमायर करेगा जिन्हें उनके स्पीड के लिए जाना जाता हो, और अगर हनुमान जी को छोड़ दे तो नॉर्स माइथोलॉजी या फिर किसी और माइथोलॉजी में भी कोई ऐसा गॉड नहीं है जिन्हें स्पीड के लिए जाना जाता हो। लेकिन वहीं पर हनुमान जी को कई जगहों पर उनके फास्ट स्पीड, उनके तेज गति के लिए मेंशन किया गया है। साथ ही उनके लिए यह भी कहा जाता है कि वो अपने मन की गति से कहीं भी आ जा सकते हैं और उनके स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं है। तो फ्लैश का उनका पोस्टर लगाना और उन्हें एडमायर करना एक आम बात बन जाती है। साथ ही अगर हम मूवी के एक और बात पर ध्यान दें तो फ्लैश की मॉम उसे उसके बच्चों ने मंकी कहकर बुलाती थी, उन्होंने उसका निकनेम मंकी रख दिया था। तो यह भी एक रीजन हो सकता है कि फ्लैश ने अपने घर में हनुमान जी का पोस्टर लगा रखा हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन सभी कंबाइंड रीजन की वजह से फ्लैश अपने घर में हनुमान जी का एक पोस्टर लगाकर रखता है। बाकी इन सब में से आपको कौन सा रीजन सबसे ज्यादा सही लगता है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना।